दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का फॉर्म निकल गया है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पॉलिटेक्निक का 2022 का फॉर्म निकल गया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो कि कोई यूट्यूबर नहीं बताता है, ना ही आपको किसी वेबसाइट से पता चल पाता है। तो दोस्तों इस साल कितने स्टूडेंट पिछले 2021 में अप्लाई किए थे फॉर्म, कितने अपीयर हुए थे, कितने सीट थी, क्या इसमें सावधानी बरतनी है कि आपका एडमिशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो JUCUP यानी जे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, CUP यानी काउंसिल उत्तर प्रदेश, तो JEE CUP का जो एडमिशन है उसमें एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो क्या क्या सिलेबस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं कि परीक्षा का जो डेट्स है वो जून में आने वाली है। क्या कब आने वाली है? जून में। आप देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल का ये PDF है, यहाँ डाउनलोड कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा। 15 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 17 अप्रैल तक समय है फॉर्म भरने का, यानी पूरा मार्च आपके पास बचा हुआ है और अप्रैल में 17 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। होता यूं है कि आप लोग ये सोच लेते हैं कि बहुत ज्यादा समय है तो भूल जाते हैं, बीच में भूल जाते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं कि जो कि आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस। तो दोस्तों देखिए कि 15 फरवरी से तो शुरू हो गया, अप्रैल में है, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं यार बहुत समय है लेकिन भूल जाते हैं बीच में, उसके बाद दिमाग में याद तो रहता नहीं है क्योंकि इतने इन्फॉर्मेशन आजकल है, बहुत सारे इलेक्शन का, मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, राहुल जी के बातें आ जाते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं कि कब फॉर्म अप्लाई करना है। तो जरूरी, जब आपको ये पता चले तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर लीजिए। क्यों अप्लाई कर लीजिएगा? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये देखिए अयोध्या के एक बॉय है, उन्होंने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टॉप किया था। इनका नाम है विवेक यादव जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं। इन्होंने यूपी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टॉप किया था। टोटल स्टूडेंट 1.7 लाख कैंडिडेट्स सक्सेसफुल हुए थे, यानी इतने लोगों का डिक्लेयर हो गया था कि इन लोगों का एडमिशन होगा। अब फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे ये देख लीजिए, फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो टोटल 3 लाख हुए थे। कितने हुए थे? 3 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए थे। कितना? 3 लाख। तो 3 लाख स्टूडेंट में से इतने लाख, मतलब 50% समझ लीजिए कि जितने भी लोग कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं वो टोटल पास हो चुके हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आपको देखिए निगेटिव मार्किंग से बचना है और आपको मिनिमम कट ऑफ लाना है, अगर आप कट ऑफ लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। सीटें थी 2.2 लाख। कितने थे? 2.2 लाख। क्वालिफाई सिर्फ 1.7 लाख की है, तो समझिए कि सीटें खाली रह जाती है। क्या रह जाती है? खाली रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि जो भी मिनिमम कट ऑफ बोर्ड डिसाइड करता है, JEE CUP जो डिसाइड करता है, उतने मार्क्स आप लोग नहीं ला पाते हैं, इसीलिए पॉलिटेक्निक में सीटें खाली है। मजाक नहीं है, आप देख लीजिए डेटा, देख लीजिए कि सीटें थी 2 लाख, क्वालिफाई किए 2 लाख से कम ही क्वालिफाई किए, तो सीटें क्या रह गई? खाली रह गई। लड़की में जो टॉप की थी वो है प्रियांशी उपाध्याय जो कि अलीगढ़ से, तो प्रियांशी उपाध्याय अलीगढ़ से टॉप की थी और विवेक यादव अयोध्या के यूपी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टॉप किया था। तो ये तो डेटा थी कि सीटें खाली रह जाती, यानी अगर आप सिर्फ कट ऑफ पार करते हैं तो आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन तय है। कौन कौन से पॉलिटेक्निक है? देखिए ये ग्रुप है, ये नेम ऑफ द कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है। ग्रुप ए में यहां से लेके यहां तक ग्रुप ए में है, ठीक है। फिर ग्रुप बी शुरू होता है, फिर आपको सी है ग्रुप, फिर डी ग्रुप है, ई ग्रुप है, एफ ग्रुप है, जी ग्रुप है, फिर K1 K2 जो लैटरल एंट्री है वो है, उसके बाद एल है जो कि पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। तो इतने ग्रुप्स है, इतने कोर्सेज है, कोर्स ऑफर जो कि 2022 में, तो खुशी की बात है कि सब कोर्सेज का, जामिया अलीगढ़, BHU, AMU, DU, JNU सबका फॉर्म धीरे धीरे निकलेगा। और आप लोग क्यास लगा रहे थे कब निकलेगा, तो इस बार सेशन भी इन्होंने सही कर दिया। देखिए आपकी एकेडमिक काउंसिल का जो मीटिंग थी उसमें डिसाइड किया गया है कि 1 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो देखिए मोटा मोटी कि 17 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का और 18 से 22 तक का आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को गलती हो जाती फॉर्म भरने में तो उसको एडिट कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, जिसको बोलते हैं कि करेक्शन फैसिलिटीज, तो एडिटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। जैसे फॉर्म का लास्ट डेट होता है उसके एक दिन बाद ही एडिटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा 29 मई से और आपका एग्जाम है जून में। तो देखिए ग्रुप ए एंड E1 E2 का 10 जून को है, ग्रुप बी सी डी एफ के 11 से लेकर 12 तक है, ग्रुप एल हेतु तिथिया का सूचित की जाएगी, ग्रुप एल के लिए तिथि अलग से आएगी, बाकी 6 से 9 मतलब 6 जून से समझ लीजिए कि एग्जाम आपका शुरू है। उसके बाद आंसर की का चैलेंज करने के आपको ऑप्शन दिया जाएगा 13 जून से लेकर 15 जून तक। उसके बाद आपकी फाइनल जो रिजल्ट आएगी 17 जून को आएगी और काउंसिलिंग और आपका एडमिशन प्रक्रिया 20 जून से लेकर 15 अगस्त तक चलती रहेगी और आपका क्लासेस शुरू हो जाएगी 1 अगस्त से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी का जो पॉलिटेक्निक है इसमें सीटें 2.2 लाख है। कितना? 2.2 लाख है, यानी 2,28,000 सीटें हैं और बच्चे पिछले साल 1 लाख
74,000 ही क्वालिफाई किए थे। तो आपको मिनिमम मार्क्स लाना है, कितना मिनिमम, हम लोग अपने एप्लीकेशन पे तैयारी करवा रहे हैं, तो टीबीआईटी क्लासेस ऐप पे भी जाके आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसमें आता है, जिसमें मैथ का 50% वेटेज होता है, 25% फिजिक्स का, 25% केमिस्ट्री का। तो आप क्या करेंगे कि आप टीबीआईटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी करवाएंगे और आपकी तैयारी एग्जाम से पहले बिल्कुल करवाने की कोशिश करेंगे, पूरी तैयारी हो जाएगी और आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। और मन चाहे तो ब्रांच भी मिल सकता है, अगर और भी थोड़ा सा पहले से जितना जल्दी से तैयारी करेंगे, जितना शुरुआत करेंगे। देखिए बोर्ड का एग्जाम तो मार्च अप्रैल में चलेगा, लेकिन अगर अभी जो बचे हुए टाइम है इसमें अगर तैयारी करेंगे पॉलिटेक्निक का, तो उसमें बोर्ड का भी आपका तैयारी साथों साथ होता रहेगा। तो बोर्ड का भी तैयारी करते रहिए, तो बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा। आप बोर्ड की तैयारी करेंगे तो पॉलिटेक्निक टेस्ट भी निकलेगा, और पॉलिटेक्निक की तैयारी करेंगे तो बोर्ड में भी अच्छा नंबर आएगा और पॉलिटेक्निक में, तो दोनों आपको 10वीं लेवल के एग्जाम्स आते हैं, तो दोनों की तैयारी करेंगे तो आपको दोनों में 4 चांद लग जाएगा और सीटें खाली हो जाती है। इसलिए आपको क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना ही लाना है। तो ये थी कि 2022 का कम से कम फॉर्म निकलना शुरू हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जो डेट दे रखा है कि आप अप्लाई करिएगा तो इसमें आप कोताही मत बरतिएगा, बहुत आगे है, बहुत कोताही बरतेंगे तो आप भूल भी जाएंगे, उसके बाद कहेंगे जा ये तो डेट निकल गया अब क्या होगा। तो अब क्या होगा, अभी समय है, अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। किस ब्रांच के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, कौन सा कोर्स में इंटरेस्टेड है, कमेंट करके बताइएगा कि कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा।